हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्विस्ट ऑफ मिष्टू। और मैं हूँ मिष्टू। आज मैं शेयर करूँगी एक ऐसी रेमेडी जिसको अगर आप एक बार भी यूज़ करोगे ना, आपकी स्किन ग्लो करेगा। सोचो कि कोई इनविटेशन है, कहीं पे जाना है आपको, उसके पहले अगर इसको आप एक बार भी अप्लाई करोगे अपनी स्किन पे, तो डेफिनेटली आपका स्किन ग्लो करेगा। तो चलो देखते हैं कि वो क्या है। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है एक चम्मच कर्ट, और कर्ट को चम्मच से आप ऐसे मिक्स कर लीजिए जब तक इसका क्रीमी टेक्सचर ना आ जाए, ऐसा आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये ना इस फेस पैक का मेन इंग्रेडिएंट है, तो इसको बिल्कुल भी आप स्किप मत करना। और फिर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सैंडल, ये है सैंडल पाउडर, मतलब चंदन पाउडर एक चम्मच, और ये है मुल्तानी मिट्टी, ये भी एक चम्मच। और फिर इसको अच्छे से मिला लीजिए। तो सबसे पहले अपने बालों को ऐसे एक बन बना लूंगी। और ये फेस पैक मैं अप्लाई करूंगी। मैं वेट करूंगी जब तक ये सूख ना जाए। इसको बहुत अच्छे तरीके से सुखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फेस पैक को फेस में बहुत ज़्यादा सुखाते नहीं है, तो स्किन ड्राई हो जाता है उससे। तो जब ये थोड़ा सा मतलब 60-70% तक सूख जाएगा, उसके बाद मैं इसको धो लूंगी। अब देख सकते हो कि मेरा फेस कितना हद तक सूख चुका है, और इससे ज़्यादा सुखाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं जाऊँगी और नॉर्मल पानी से अपना फेस धो लूँगी। अब देख सकते हो कि मेरा स्किन कितना ग्लो कर रहा है। ट्रस्ट मी, अगर आप इसको एक बार भी यूज़ करोगे ना, तो आपका स्किन ज़रूर ग्लो करेगा। और होम रेमेडी है, तो इसीलिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। मुल्तानी मिट्टी और चंदन पाउडर आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगा, तो आप इसको एक बार यूज़ करके देखो और कमेंट करके मुझे बताओ कि कितना अच्छा काम किया है आपके स्किन में ये। और अगर मेरी वीडियो को पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।